जनाब, इस प्रोग्राम को अभी हम मजीद थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इससे पहले हम कुछ कंसेप्ट्स देख लेते हैं। तो जनाब, नेक्स्ट जो हमारे कंसेप्ट्स हैं जिनको अभी हमें रिव्यू करना है, वो है बोरोइंग एंड रेफरेंसिंग। तो इसमें हम देखेंगे बोरोइंग, रेफरेंसिंग, म्यूटेबल रेफरेंसिंग, फिर डेटा बेस क्या होती है, फिर कोई अगर रेफरेंसेस के रूल्स हैं तो वो देख लेंगे, और डैंगलिंग। और यहाँ पे जाके हमारा ये आज का सेशन कंप्लीट हो जाएगा जो रिमेनिंग है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि बोरोइंग क्या होती है। तो जब हम फंक्शन पैरामीटर में रेफरेंसेस पास करते हैं तो इसको कहलाया जाता है बोरोइंग। और बोरोइंग का कंसेप्ट उसी तरह है जिस तरह रियल लाइफ में जब हम किसी से कोई चीज़ बोरो करते हैं तो हमें वो चीज़ वापस भी करनी होती है, ठीक है। एक चीज़ होती है कि आपने किसी से कोई चीज़ खरीद ली ना, तो वो हमेशा के लिए आपकी हो जाती है, फिर आपने उसको वापस नहीं करना होता। लेकिन अगर आप किसी से कुछ उधार लेते हैं तो उधार के साथ जो उसकी उधार की वापसी होती है वो लाजिम व मुलजम होती है, ठीक है। तो इसी तरह से जब आपने फंक्शन पैरामीटर में अगर आपने रेफरेंसेस को इस्तेमाल किया है तो वो आप एज ए बोरोइंग वाली एक्टिविटी कर रहे होते हैं। इसको जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो थोड़ा सा डिटेल में बात समझ आ जाएगी। अब बोरोइंग में बार बार रेफरेंसिंग का तस्करा हुआ कि वी कॉल हैविंग रेफरेंसेस एज फंक्शन पैरामीटर बोरोइंग, ठीक है। तो ये देख लेते हैं कि यार ये रेफरेंसिंग क्या होती है। तो रेफरेंसिंग होती है कि किसी चीज को कंसल्ट करना फॉर गेटिंग सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। रस्ट के अंदर रेफरेंसिंग किसको कहा जाता है? रस्ट के अंदर रेफरेंस कहा जाता है उस कॉपी को डेटा की जो हम बनाते हैं विदाउट टेकिंग ओनरशिप। अभी हमने देखा कि हमारा जो कल वाला भी सेकेंड हाफ लेक्चर था और आज वाला भी फर्स्ट हाफ लेक्चर है, ये सारे का सारा उसी कॉपी ट्रेड, मूव ट्रेड के ऊपर बेस कर रहा था, ठीक है। तो अगर हमने सिर्फ डेटा को रीड करना हो तो उसके लिए हमारे लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम उसकी ऑनरशिप ही ट्रांसफर करवा लें, क्योंकि हमने जस्ट रीड करना है, चेंज तो नहीं करना। तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या कर सकते हैं, हम एज ए रेफरेंस उसकी वैल्यू को मूव करवा सकते हैं, जिससे हमें क्या होगा कि उस वेरिएबल की वैल्यूज का रीड ओनली एक्सेस भी मिल जाएगा, नंबर एक। और नंबर टू, जो एक्चुअल वेरिएबल है उसकी ऑनरशिप भी डिस्टर्ब नहीं होगी, और चूंकि उसकी ऑनरशिप डिस्टर्ब नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली वो जो मेमोरी में से ड्रॉप नहीं होगा या इनवैलिडेट नहीं होगा, ठीक है। और रेफरेंस को पास करने के लिए एंड का सिंबल यूज किया जाता है। जैसे हम किसी जब वेरिएबल को पास करते हैं तो उस वेरिएबल का नाम दे देते हैं ना फंक्शन के पैरामीटर में, तो वो वेरिएबल भी पास हो जाता है, उसकी काइंड ऑफ ऑनरशिप भी पास हो जाती है, और अगर वो प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है तो वो इनवैलिडेट भी हो जाता है रैम में से। तो जब आपने किसी फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल का रेफरेंस पास करना है तो उसके लिए फिर आप एंड का सिंबल अटैच कर देते हैं उस वेरिएबल के नेम के साथ, ठीक है। ये यूज कैसे होता है रेफरेंस वाला, इसको करने से पहले हम एक सैंपल कोड देख लेते हैं जो मैंने आपके लिए इस जो ब्रेक सेशन था उसके अंदर कम मतलब लिख लिया था। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर चला के देख लेते हैं। देखिए, एक सिंपल सा कोड है, उसी से मिलता जुलता जो कि स्लाइड में दिया गया। हमने एक माई स्ट्रिंग नाम का स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लिया जो कि जाहिर है जाके हीप पे सेव होगा। उसके अंदर टेक्स्ट डाल दिया जी पाकिस्तान। उसके बाद हमने एक फंक्शन कॉल करवाया माई लेंथ कैलकुलेटर, और इसको हमने ये माई एस टी आर भिजवा दिया। अब देखें यहाँ पे कोई एंड वैंड नहीं लगा हुआ, कोई रेफरेंस नहीं लगा हुआ, और ये एक हीप बेस्ड डेटा टाइप थी माई एस टी आर, ठीक है ना, स्ट्रिंग टाइप थी। अब क्या होगा कि यहाँ पे ये एज ए मूव ट्रेट इसकी वैल्यू मूव होगी, यानी इस लाइन के बाद से माई एस टी आर जो है ये इनवैलिड हो जाएगा रैम में से, ठीक है। और जो इसकी वैल्यू है जो भी थी वो माई लेंथ कैल्क नाम के फंक्शन को मूव हो जाएगी। हम यहाँ आ जाते हैं माई लेंथ कैल्क में।
यहाँ पे वो जो वैल्यू आई है ऊपर से पाकिस्तान की, वो आके डेटा नाम के वेरिएबल में मूव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि ये कमांड चलेगी लेट माई लेंथ, माई लेंथ नाम का एक वेरिएबल बनेगा जिसका साइज होगा यू साइज, और डेटा डॉट लेंथ का मेथड कॉल होगा। डेटा डॉट लेंथ का मेथड क्या करेगा कि डेटा के अंदर जो भी डेटा पड़ा हुआ है, जो भी टेक्स्ट पड़ा हुआ है, जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, उसकी लेंथ कैलकुलेट करेगा। तो अब जो डेटा नाम का वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो थी पाकिस्तान, तो इसकी लेंथ कैलकुलेट होगी। तो ये पी ए के आई एस टी ए एन 8 कैरेक्टर्स बनते हैं। तो ये जो डेटा डॉट लेंथ नाम का मेथड था, इनके डेटा हमारे वेरिएबल का नाम है ये आपने देखा होगा, और डॉट लेंथ उस स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल का एक मेथड है, ये रिटर्न करेगा 8, 8 जाके सेव हो जाएगा माई लेंथ में। ठीक है, तो अब हमारे पास दो वेरिएबल इस वक्त हैं रैम में, एक का नाम है डेटा, उसके अंदर सेव है पाकिस्तान, और एक है माई लेंथ जिसके अंदर सेव है 8। तो देखिए अगली लाइन में हम ये दोनों ही जो कह लें आप वेरिएबल्स हैं उनको रिटर्न करवा रहे हैं। तो जब हम इनको रिटर्न करवाएंगे तो ये दोनों रिटर्न होने के बाद इस पॉइंट के ऊपर आके प्लेस हो जाएंगे। अब इस पॉइंट के ऊपर हमने क्या किया कि हमने इन इस माई लेंथ की जो रिटर्न दो वैल्यूज हैं, एक डेटा और एक माई लेंथ, इन दोनों को हमने माई एस टी आर और एल ई एन में सेव करवा लिया, माई एस टी आर टू और एल ई एन में। माई एस टी आर टू में सेव हो जाएगा वो वैल्यू जो डेटा की आ रही है, डेटा के अंदर पड़ा था पाकिस्तान, तो पाकिस्तान आके माई एस टी आर टू में सेव हो जाएगा, और जो माई लेंथ जिसके अंदर 8 वैल्यू पड़ी हुई थी वो आके एल ई एन नाम के वेरिएबल में कॉपी हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास रैम में दो वेरिएबल बन जाएंगे, माई एस टी आर तो पहले ही इनवैलिडेट हो चुका था, अब हमारे पास जो दो वेरिएबल होंगे रैम में वो होंगे माई एस टी आर टू और एल ई एन। उसके बाद हम इनको प्रिंट करवाएंगे, द लेंथ ऑफ दिस इज दिस, और पहले वाले दिस के अंदर हम माई एस टी आर टू की वैल्यू को डिस्प्ले करवा देंगे और सेकेंड वाले के अंदर एल ई एन को डिस्प्ले करवा देंगे। तो ये कुछ ना कुछ आउटपुट देगा, क्या आउटपुट देगा ये हम जाके इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। चलते हैं अपनी टर्मिनल विंडो की तरफ, और टर्मिनल विंडो में हम करते हैं कार्गो रन। तो ये देखें उसने बताया हमें कि लेंथ ऑफ पाकिस्तान इज 8। ठीक है, हम प्रोग्राम में वापस जाते हैं, वापस जाके हम इसको चेंज कर देते हैं, हम कहते हैं आजाद कश्मीर। ठीक है, हमने स्ट्रिंग की वैल्यू को चेंज कर दिया। अब इस प्रोग्राम को हम दोबारा से चलाते हैं कंपाइल करके, तो देखिए अब वो बता रहा है कि द लेंथ ऑफ द न्यू टेक्स्ट जो कि आजाद कश्मीर है, द लेंथ ऑफ आजाद कश्मीर इज 12। ठीक है, तो इसको हम जो भी स्ट्रिंग दे रहे हैं ये हमें उसकी लेंथ कैलकुलेट करके दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक अभी जो हमने यहाँ पे कोडिंग की है ये कोडिंग डायरेक्ट मूव एंड कॉपी ट्रेड इस्तेमाल कर रही है, तो वाई नॉट यहाँ पे हम देखें कि अगर हम यहाँ पे वो जो रेफरेंसेस हैं ना उनको इस्तेमाल करें तो हमें कोई फायदा होता है कि नहीं होता। ठीक है, हम उससे मतलब क्या बेहतरी ला सकते हैं यूजिंग रेफरेंसेस, हम इस प्रोग्राम को मजीद कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो देखिए हो ये रहा था कि हम यहाँ पे लेन कैलकुलेटर को माई एस टी आर भिजवा रहे थे, लेकिन चूंकि माई एस टी आर एक हीप बेस्ड डेटा टाइप है और इसका जो बिहेवियर होता है वो होता है मूव ट्रेट। अब क्या होता था कि रैम में से इनवैलिड हो जाता था, तो हमें फिर दोबारा जब वापसी होती थी इसकी तो उस वापसी के टाइम पे इसको माई एस टी आर टू में सेव कराना होता था। ठीक है, तो एक वेरिएबल जा रहा था बट चूंकि वो मूव ट्रेट था जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ओवर हेड करना पड़ा था, हमें एक और वेरिएबल फिर उसको दोबारा से वापस मंगवाने के लिए करवाना पड़ा था। यहाँ पर भी देखें ये जो माई लेंथ कैलकुलेटर था इसके अंदर चूंकि मूव ट्रेट की वजह से टेक्स्ट मूव होता था, तो हमें यहाँ से इसको एक्स्ट्रा एक वेरिएबल बना के अब यू साइज यानी कि लेंथ और साथ स्ट्रिंग के अंदर वो जो
उसकी एक्चुअल वैल्यू थी स्ट्रिंग की, वो दोनों चीजें भिजवानी पड़ती थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसी कोड को, सेम कोड को हम यूजिंग रेफरेंसेस किस तरह से आसान बना सकते हैं। अब आप देखें इस वाली जो लाइन को, मैं जो ओल्ड हमारी लाइन थी इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, हम देखते हैं कि हम यूजिंग रेफरेंसेस इस लाइन के अंदर क्या चेंज लेके आ सकते हैं। तो हम कहते हैं लेट लेन इज इक्वल टू माई लेन कैल्क, और अब हम इसको बजाय माई एस टी आर भिजवाने के हम माई एस टी आर का रेफरेंस भिजवाते हैं, यानी कि माई एस टी आर का एड्रेस भिजवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जो इसकी टाइप है वो सिर्फ स्ट्रिंग के बजाय एंड स्ट्रिंग कर देंगे। अभी एक ही रिटर्न करेगा वैल्यू जो कि साइज होगा, और ये उसका लेंथ कैलकुलेट करके वापस भिजवा देगा। ठीक है, हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा पहले कंपाइल करके देखते हैं, अगर कोई एरर नहीं होता तो फिर मैं आपको इस प्रोग्राम को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें चेंज क्या आई है। चेंज हम साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे। एक मिनट, मेरा ख्याल है मेरा को नेटवर्क का कनेक्शन जो है ना थोड़ा सा अनस्टेबल हो रहा है। मैं एक मिनट ज़रा अपने लैपटॉप की वाईफाई को रीसेट करता हूँ। ओके फाइन जी, तो अब हमने ये प्लान सॉरी ये जो हमने ये सॉफ्टवेयर है ये मतलब ये जो हमारा प्लान था इसको सॉरी कोड था इसको हमने सेट कर लिया। तो अब हम इसको थोड़ा सा कंपाइल करके देखते हैं। मैं आपसे शेयर करता हूँ अपनी कमांड विंडो। हम चलते हैं जी अपनी कमांड विंडो में, इसको कंपाइल करके देखते हैं कि ये हमें क्या बिहेवियर शो करता है। तो यहाँ पे हम करते हैं कार्गो रन। तो देखिए सेम एड्रेस हमें दे रहे हैं, सेम सॉरी रिजल्ट दे रहे हैं, लेंथ ऑफ आजाद कश्मीर इज 12। लेकिन अब हो क्या रहा है यहाँ पे, हम कोड में आके देखते हैं कि हमने जो प्रोग्राम में चेंज किया है उससे प्रोग्राम में क्या बेहतरी आई है और रेफरेंसेस को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो जी सेम लाइन है जी, हमने एक माई एस टी आर नाम का स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया, उसके अंदर कोई वैल्यू डाल दी स्ट्रिंग टाइप की, लाइक हमने यहाँ पे आजाद कश्मीर डाल दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा कि माई लेन कैलकुलेटर नाम के फंक्शन को कॉल करो और से माई एस टी आर नाम का जो वेरिएबल हमने बनाया था इसका रेफरेंस पास कर दो। अब जब रेफरेंस पास होगा ना तो ये रीड ओनली एक वैल्यू जो है ना उसको मिल जाएगी। ठीक है, रेफरेंस मिल जाएगा, मेमरी पॉइंटर मिल जाएगा कि जहाँ पे माई एस टी आर स्टोर है उसका जो पॉइंटर है वो आगे भिजवा दिया जाएगा इस फंक्शन में। तो माई लेन कैल्क में देखें हम डेटा के अंदर एक स्ट्रिंग के रेफरेंस या स्ट्रिंग के पॉइंटर टाइप का एक वैल्यू रिसीव करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये माई लेंथ नाम के वेरिएबल के अंदर डेटा डॉट लेन को कैलकुलेट करवा के स्टोर करवाएगा और उसके बाद सिर्फ माई लेंथ को वापस भिजवा देगा। अब यहाँ पे देखें चूंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को पैरामीटर के तौर पर नहीं भिजवाया था बल्कि स्ट्रिंग के पॉइंटर को भिजवाया था, और कल के सेशन में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि जब हम कोई हीप बेस्ड डेटा टाइप
बनाते हैं तो उसके दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा स्टैक पे मबनी होता है और एक हिस्सा हीप पे बनता है। स्टैक के अंदर क्या क्या चीजें पड़ी होती हैं, एक तो पॉइंटर पड़ा होता है, एक लेंथ पड़ी होती है और एक कैपेसिटी पड़ी होती है, ठीक है, वो स्टैक के ऊपर सेव होती है। और जो एक्चुअल डाटा होता है वो कहाँ पे सेव होता है, वो जाके हीप पे सेव हो रहा होता है। तो जब हमने यहाँ पे एंड माई एस टी आर भिजवाया तो इसका मतलब ये है कि माई एस टी आर का जो पॉइंटर है ना, जो कि पॉइंट कर रहा है कि रैम के अंदर माई एस टी आर का जो डाटा है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो पॉइंटर एक्चुअली आगे जाके कॉपी हुआ। और पॉइंटर कहाँ पे सेव होता है, पॉइंटर सेव होता है स्टैक के ऊपर। और स्टैक एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का ट्रेट कॉपी होता है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमने चूंकि यहाँ पे माई एस टी आर स्ट्रिंग को, जो कि हीप बेस्ड वेरिएबल था, उसको नहीं भिजवाया आगे, बल्कि हमने एक प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी कि यू साइज टाइप के डेटा टाइप को आगे भिजवाया, कि जो पॉइंटर होते हैं यू साइज में आ रहे होते हैं। तो इसकी वजह से हमें क्या बेनिफिट हुआ कि हमारा जो ओरिजिनल माई एस टी आर था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपनी जगह कायम और दायम रहा। वो मूव ट्रेड, क्योंकि हमने उसको भिजवाया नहीं इसलिए मूव ट्रेड भी कॉल नहीं हुआ और वो इनवैलिडेट भी नहीं हुआ। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने माई लेन कैलकुलेटर नाम के फंक्शन को, ये जो हमारा वेरिएबल था माई एस टी आर, इसका पॉइंटर भिजवा दिया। और इस फंक्शन ने वो पॉइंटर रिसीव किया, उसके बाद वो इस पॉइंटर पे गया और पॉइंटर पे जो भी डेटा पड़ा हुआ था उसकी लेंथ कैलकुलेट की, लेंथ, और उस लेंथ को उसने माई लेंथ नाम के वेरिएबल में सेव करवा दिया। और सिंपल इस फंक्शन ने माई लेंथ एक ही वेरिएबल रिटर्न कर दिया। पहले देखें ये दो वेरिएबल रिटर्न करता पुराने वाले कोड में ना, यहाँ पे आप पुराने कोड का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि देखें माई लेंथ कैलकुलेटर को हम यहाँ पे पुराने कोड में एज ए स्ट्रिंग मूव रेट के हवाले से पूरी स्ट्रिंग को मतलब मूव करवा देते थे और उसके बाद ये रिटर्न करता था लेंथ भी और उसके बाद वो एक्चुअल स्ट्रिंग भी। वो स्ट्रिंग रिटर्न करने की वजह ये होती थी कि यहाँ पे जब हम पूरा के पूरा स्ट्रिंग वेरिएबल पास करते थे तो उसके बाद मजीद यहाँ पे हम इस माई एस टी आर को यूज करने के काबिल नहीं रहते थे, ठीक है। तो अब चूंकि हमने अब ये वाली लाइन हमारी खत्म कर देते हैं, ये सिर्फ आपको रेफरेंस देने के लिए थी। अब हमारे नए वाले कोड में जहाँ पे हमने रेफरेंसिंग यूज की, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या फायदा हुआ कि अब हमें एक ही वैल्यू यहाँ से रिटर्न करवानी पड़ी है माई लेंथ, जो माई एस टी आर है ये अपने मेन प्रोग्राम में बिल्कुल इनवैलिडेट नहीं हुआ। और हमने एंड में जो प्रिंट एलन करवाया तो हमने इसी माई एस टी आर को यूज किया और उसके साथ लेंथ को यूज कर लिया और इस तरह से अपना डाटा को डिस्प्ले करवा लिया, ठीक है। हम यहाँ पे वापस थोड़ी सी वैल्यू चेंज करते हैं, यहाँ पे इसकी हम इसको वापस ले आते हैं पाकिस्तान पे, इसको सेव करते हैं और चलते हैं अपनी टर्मिनल विंडो में। यहाँ पे प्रोग्राम को दोबारा रन करवाते हैं, देखिए इसे बता दिया कि लेंथ ऑफ द पाकिस्तान इज 8, जो हमने दोबारा रन किया ना यहाँ पे दोबारा से रन किया इसको, तो इससे हमें बता दिया द लेंथ ऑफ पाकिस्तान इज 8। तो इस तरह से आप जब भी कोई टेक्स्ट चेंज करके इसको जब प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करके रन करेंगे तो आपने जो भी यहाँ पे इसको करंटली प्रोवाइड किया हुआ होगा स्ट्रिंग उसकी लेंथ कैलकुलेट करके आपको बता देगा। और यहाँ पे हमने यूज़ किया है रेफरेंसिंग। चलते हैं जी अपने प्रोग्राम सॉरी स्लाइड्स वाले कोड में, और यहाँ पे आप देखिए तो इन्होंने इसी से मिलता जुलता एक फंक्शन यहाँ पे बताया हुआ। और अगर हमारे पास अभी टाइम होता तो हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते कि आप वन बाय वन हमें इस वाले ये जो कोड लिखा हुआ है इसको एक्सप्लेन करके बताएं, लेकिन वक्त की चूंकि ऑलरेडी हमारे पास कमी है और अभी वैसे भी 11:15 होने वाले हैं तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे म्यूटेबल रेफरेंसेस। तो देखें जैसा हम पहले म्यूटेबल और इम्यूटेबल वेरिएबल यूज करते थे तो उसी तरह से अब वो कंसेप्ट क्या होता था म्यूटेबल इम्यूटेबल का कि जो म्यूटेबल वेरिएबल्स होते थे जब वो म्यूटेबल डिक्लेयर हुए हुए होते थे तो आप उनके अंदर वैल्यू को चेंज कर सकते थे। और अगर आप उनको म्यूटेबल डिक्लेयर ना करें तो बाय डिफॉल्ट वो इम्यूटेबल डिक्लेयर होते थे। और इम्यूटेबल डिक्लेयर होने की वजह से क्या गड़बड़ होती थी
कि आप उनकी वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ एक बार चेंज कर सकते थे, उसके बाद ये दोबारा चेंज करना अलाउ नहीं करते थे, एरर दे देते थे। ठीक है, तो यही कंसेप्ट होता है रेफरेंसेस का भी, कि अगर आप रेफरेंस को के साथ कुछ डिफाइन ना करें उसकी म्यूटेबिलिटी के हवाले से, तो डिफॉल्ट में जो रेफरेंसेस होते हैं वो इम्यूटेबल डिक्लेयर होते हैं, और इम्यूटेबल रेफरेंसेस के अंदर आप कुछ चेंज नहीं कर सकते डाटा को। ठीक है, और जब हमने रेफरेंस को यूज करते हुए डाटा की वेरिएबल के डाटा की वैल्यू को चेंज करना हो, तो तब हम क्या यूज करते हैं, म्यूटेबल रेफरेंसेस। और ये कैसे यूज किए जाते हैं कि अगर आपने अगर कोई रेफरेंस बनाना है और वो म्यूटेबल बनाना है, तो आप एंड के बाद MUT का कीवर्ड डाल दें। ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ पे अपनी जो पुरानी एग्जांपल थी उसके अंदर जब हमने वो STR को एज ए रेफरेंस पास करवाया था, तो हमने लिख दिया था एंड STR। तो अगर आपने इसको म्यूटेबल रेफरेंस पास करवाना है, तो आप एंड MUT स्पेस STR दे दें, तो वो एक म्यूटेबल रेफरेंस पास हो जाएगा। ये देखिए एक एग्जाम्पल दी हुई है, और हमारी वाली स्लाइड्स में जो एग्जाम्पल या जो कोड एरर दे रहा होगा उसका बैकग्राउंड हमने थोड़ा सा रेडिश कर दिया होगा, ताकि पता चल जाए कि ये कोड जो है ये एक एरर प्रोन कोड है, इसके अंदर कोई एरर है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, हमने एक वेरिएबल बनाया एस, उसके अंदर वैल्यू सेव कर दी हेलो की, उसके बाद हमने एक चेंज नाम का वेरिएबल कॉल कराया और उसके अंदर एस का रेफरेंस पास कर दिया। ठीक है, अब चेंज के अंदर क्या हो रहा है कि ये उस रेफरेंस को सम स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल के अंदर सेव करवा रहा है, और सेव करवाने के बाद उस सम स्ट्रिंग के अंदर पुश एसटीआर का मेथड कॉल करवा रहा है, और उसके अंदर कोशिश कर रहा है कि उसके अंदर जो भी पहली की वैल्यू लिखी हुई थी उसके अंदर वर्ल्ड ऐड हो जाए। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि जब आप डिफॉल्ट में अगर रेफरेंस के साथ कुछ भी मेंशन ना करें, तो वेरिएबल की तरह ये भी डिफॉल्ट में इम्यूटेबल टाइप का रेफरेंस बनता है, तो इम्यूटेबल रेफरेंस में फिर वैल्यू एडिशन वगैरह अलाउड नहीं होती, जो उसकी वैल्यू होती है उसको चेंज करना अलाउड नहीं होता। इसकी वजह से यहाँ पे हमें एरर आ जाएगा कि यार आप जो हैं एक म्यूटेबल जो रेफरेंस है उसके थ्रू आप वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, और इस एरर से निकलने के लिए आप सिंपल सा काम करेंगे क्या, कि यहाँ पे नंबर एक तो ये सबसे पहले आप उस वेरिएबल को म्यूटेबल बनाएंगे, ताकि उसके अंदर बार बार चेंजेस हो सके। पहली तो चेंज यहीं पे होगी हेलो नाम की, जब आपने उसके अंदर एडिशन की, और देन उसके बाद आप रेफरेंस को म्यूटेबल बनाने के लिए क्या करेंगे कि एंड के बाद MUT का कीवर्ड डाल देंगे, और आगे फिर आप उसको पास ऑन करा देंगे। ये देखें पिछले प्रोग्राम में इस जगह पे और इस जगह पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि इसमें हमने मेन वेरिएबल को भी म्यूटेबल डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद जब हमने रेफरेंस पास किया तो रेफरेंस को म्यूटेबल पास करवाने के लिए आप एंड MUT का कीवर्ड यूज करेंगे, तो ये अब म्यूटेबल रेफरेंस पास करेगा। अब आप इस रेफरेंस के ऊपर जाके वैल्यूज को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और अब देखिए ये जो फंक्शन था इसके अंदर भी आपने उसकी टाइप के साथ एंड MUT बताया उसको, कि म्यूटेबल जो रेफरेंस है स्ट्रिंग का वो पास हो रहा है, और उसके बाद जब आप सम स्ट्रिंग डॉट पुश STR उसके अंदर वर्ल्ड डालने की कोशिश करेंगे, तो ये अब आपको ये चेंज अलाउ कर देगा। ठीक है, अच्छा इसको अब हम जाके अपने कोड में थोड़ा सा खुद भी, यानी कि थोड़ा सा चेंज लेने के लिए स्लाइड वाले कोड से अब हम जाके थोड़ा सा अपने वाले कोड में भी चेंज लेके आते हैं। हम इसी के अंदर थोड़ा सा चेंज लेके आते हैं, हम फंक्शन बना लेते हैं। माय डेटा एडर, और इसको हम इसका रेफरेंस पास करते हैं, और फिर हम सिंपली MyStr को प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, और यहां पे हम डिफाइन करते हैं MyDataAdder,
जी देखिए, अभी हमने जानबूझकर इसको म्यूटेबल डिक्लेयर नहीं किया, तो अभी डिफ़ॉल्ट में हमारे जितने भी वेरिएबल है, चाहे वो माई एस टी आर हो, चाहे उसका जो रेफरेंस पास हो रहा है, वो इम्यूटेबल बने हैं डिफ़ॉल्ट में, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं कि हमें ये क्या रिजल्ट देता है। तो चलते हैं जी अपनी टर्मिनल विंडो के ऊपर। तो ये देखें, तो ये इसने हमें एरर दे दी है कि डेटा डॉट डॉट पुश स्ट्रिंग में वो कह रहे हैं कि ये जो रेफरेंस है ये भी और वो जो डेटा है वो भी दोनों म्यूटेबल नहीं है, ठीक है, म्यूटेबल नहीं है। और साथ उसने हमें सजेशन भी दी है, कहता है कि हेल्प कंसीडर चेंजिंग दिस टू बी अ म्यूटेबल रेफरेंस। और कैसे चेंज करें इसको, एंड एमयूटी लगा दें। इसने हमें थोड़ी सी हेल्प आउट भी कर दिया। तो हम सबसे पहले इसी की सजेशन के ऊपर जाते हैं। देखिए जो रस्ट है ना, इसका कंपाइलर, वो हमें बड़ी हेल्प आउट कर रहा होता है, ना सिर्फ एरर देता है बल्कि साथ साथ उसके कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेड सोल्यूशन भी बता रहा होता है। हम चलते हैं जी कोड में और जाके सबसे पहले इसका दिया हुआ सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करते हैं। उसने कहा जी आप इस रेफरेंस को म्यूटेबल बना दें, ठीक है जी। हमने उसके कहने पे अमल कर लिया, हमने इनको म्यूटेबल बना दिया, सेव किया डाटा। वापस चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे अपने और देखते हैं कि क्या ये हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि नहीं। तो हम कहते हैं जी क्लियर और दोबारा से कार्गो रन करवाते हैं, तो स्टिल ये इशू दे रहा है। और अब देखें थोड़ा सा इसने एरर चेंज किया है और साथ उसने हेल्प भी चेंज की। अब उसने कहा है कि जनाब आप क्या करें, ये जो लाइन नंबर 3 है ना, इसको म्यूटेबल करने की कोशिश करें। और कैसे म्यूटेबल करने की कोशिश करें, ये जो आपने खाली माई एस टी आर रखा है इसको लिख दे म्यूट एम यू टी माई एस टी आर। ये देख रहे हैं कितना क्लियर आपको ये जो है ना, ना सिर्फ आइडिया दे रहा होता है बल्कि साथ साथ ना सिर्फ एक लाइन नंबर बता रहा होता है, ठीक है, और साथ साथ ये भी बता रहा होता है कि आप उसमें क्या पॉसिबल चेंज लाएं तो शायद आपका ये मसला या एरर रिजॉल्व हो जाए। तो हम चलते हैं जनाब अपने कोड के अंदर और इसकी बताई हुई दूसरी चेंज को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। और हम इस लाइन नंबर 3 में आके यहाँ पे खाली माई एस टी आर को हम एम यू टी एस टी आर कर देते हैं, सेव करते हैं और फिर से जाकर अपनी कमांड लाइन में देखते हैं टर्मिनल विंडो में कि क्या हमारा मसला सॉल्व हुआ। तो जनाब बिल्कुल हमारा मसला सॉल्व हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें हमारे पास अभी टेक्स्ट प्रिंट हो गया। तो पहली बात जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, जो कि आप लोगों को अपने ध्यान में रखनी चाहिए, कि एरर आए तो बिल्कुल बौखलाना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है, बल्कि उस एरर को रीड करना है। उस एरर के अंदर से ही आपको वो एरर रिजॉल्व करने के बहुत सारे हिंट मिल जाएंगे। सबसे पहले तो आपको मिलता है लाइन नंबर कि आपका एरर किस लाइन में आ रहा है, तो आपको वो लाइन उससे पिछली लाइन को रिव्यू करना चाहिए तो आपको वो आइडिया हो जाएगा आपके आपने क्या गलती की है। दूसरी बात ये कि साथ साथ वो कुछ हेल्पिंग सजेशन या टिप्स भी दे रहा होता है कि कंपाइलर के ख्याल में आप इस एरर से बचने के लिए क्या करें। अब अपने प्रोग्राम की लॉजिक को जहन में रखें और कंपाइलर की दी हुई टिप्स को जहन में रखें तो आप कोड की डिबगिंग यानी कि कोड को रिजॉल्व या एरर को रिजॉल्व करना, वो आप जो है ना बहुत जल्दी उसके ऊपर अपनी ग्रिप बना लेंगे, ठीक है। तो ये जो एरर होते हैं उनको देख के घबराना नहीं है बल्कि एरर को पढ़ने की कोशिश कर रही है, तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि एरर आपको कितनी जल्दी आपके सोल्यूशन की तरफ ले जाएंगे, सही है जी। तो अब ये देखिए हमारा ये प्रोग्राम चल पड़ा और इसने हमें म्यूटेबल रेफरेंसेस पास करने में कामयाबी दिलवा दी। अब हम जो वैल्यू चेंज कर रहे हैं वो रेफरेंसेस के थ्रू चेंज कर रहे हैं। यहां तक कोई सवाल है तो आप बीच में इंटरप्ट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो मैं लेक्चर कंटिन्यू करूंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप साथ साथ पूछ लें, कोई मसला नहीं। और क्वेश्चन पूछने के लिए आपको अपना जो माइक्रोफोन है वो अनम्यूट करना पड़ेगा। अनम्यूट करने के लिए आप स्क्रीन पे क्लिक करें तो नीचे सबसे लोअर लेफ्ट वाले
पार्ट ऑफ द स्क्रीन में आपको एक माइक्रोफोन सा बना हुआ है जिसपे एक रेड कलर का क्रॉस लगा होगा, आप वहां पे क्लिक करें तो आपका माइक्रोफोन एक्टिव हो जाएगा और फिर आप जो बोलेंगे वो आवाज हम तक पहुंच जाएगी। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप बीच में मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं। चलते हैं जी अपनी स्लाइड की तरफ। इसी तरह का कोर्स कोड जो है हमने वो खुद से ही कोड कर लिया और उसको हमने चला के देखा और म्यूटेबल रेफरेंसेस बना लिए और उनके थ्रू डाटा को चेंज भी करवा लिया। ठीक है जी, अब हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस देख लेते हैं जो कि रस ने लगाई हुई हैं। पहली बात तो ये है कि आपका एक स्कोप में एक ही म्यूटेबल रेफरेंस हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप इम्यूटेबल रेफरेंसेस जो है वो तो आप जितने मर्जी बना लें कोई मसला नहीं है, रस्ट की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इम्यूटेबल रेफरेंसेस किसी भी वेरिएबल के जितने मर्जी बना लें, लेकिन एक वेरिएबल का आप एक वक्त में एक ही म्यूटेबल रेफरेंस बना सकते हैं। नंबर एक तो बात ये होगी, जैसा कि इसने यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई आपको कि आपने एक म्यूटेबल स्ट्रिंग बनाया एस, उसके अंदर वैल्यू पास कर दी हेलो वेरीफाई, उसके बाद आपने बनाया कि जनाब आर वन जो कि एक म्यूटेबल रेफरेंस है एस का, बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ ही आपने एक आर टू भी बना दिया और वो भी एक म्यूटेबल रेफरेंस है एस का। तो भाई जो ही आपने दूसरी वाली लाइन यहाँ पे दी ना तो इसने फौरन एरर दे देना कि जनाब आप एक ही वेरिएबल एस के दो दो म्यूटेबल रेफरेंसेस बना रहे हैं, तो भाई ये तो अलाउड नहीं है, रेस की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है। या पढ़ सकते हैं कि यू कैन हैव ओनली वन म्यूटेबल रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर पीस ऑफ डेटा इन अ पर्टिकुलर स्कोप। तो एक स्कोप के अंदर आप एक ही म्यूटेबल रेफरेंस बना सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज ये आपको एरर दे देगा। तुम जल्दी से इसको कोड करके देख लेते हैं आपकी तसल्ली और तशफी के लिए। हम जाते हैं अपनी कोड विंडो के अंदर और यहाँ पे हम कहते हैं लेट एंड एस वन इज इक्वल टू सॉरी एस वन इज इक्वल टू एंड एम यू टी और माई एस टी आर। हमने माई एस टी आर का एक म्यूटेबल रेफरेंस एस वन में पास कर दिया और let s2 is equal to and mutable reference of my str। ठीक है, इसको हम चला के देखते हैं कि हम चलें प्रिंट भी करवा लेते हैं। जनाब ये हमने कोड कर लिया कि हमने एक माई एस टी आर बनाया जिसके अंदर वैल्यू डाल दी पाकिस्तान, फिर हमने एस वन एक वेरिएबल बनाया जिसको जिसके अंदर हमने म्यूटेबल रेफरेंस ऑफ माई एस टी आर सेव किया, फिर दूसरा वेरिएबल बनाया उसके अंदर भी हमने म्यूटेबल रेफरेंस ऑफ माई एस टी आर सेव किया और देन इन दोनों को प्रिंट करवा लिया। इसको हम सेव करते हैं और जल्दी से अपने कमांड विंडो में जाकर देखते हैं कि हमें क्या एरर देना है। देखिए जनाब इसे एरर दे दिया कि ये जो हमेशा लाल लाइन होती है ना ये एक्चुअली एरर को शो कर रही होती है, ब्लू वाली सजेशन होती है। ये कह रहा है कि जनाब सेकंड म्यूटेबल बोरो अकर्स हियर, कि ये जो आपने दूसरा म्यूटेबल वो जो बोरो किया है वो आपने यहाँ पे गलती की। और साथ ये देखिए शुरू में बता रहे हैं कैनॉट बोरो माई एस टी आर एज ए म्यूटेबल
मोर देन वन सेट ए टाइम. देखिए आपको दूसरी टिप मिल गई, उसे आपको बताया कि जनाब कैन नॉट बोरो माई एस टी आर एज ए म्यूटेबल मोर देन वन सेट ए टाइम. मतलब है कि आपने यहाँ पे एक से ज्यादा बार इसको यूज किया और यहाँ नीचे बता भी रहा है कि फर्स्ट म्यूटेबल बोरो यहाँ पे, सेकेंड म्यूटेबल बोरो यहाँ पे, और ये आपको बताना चाह रहा है कि मेरे भाई आप इन दोनों में से किसी एक को खत्म कर दें. अब हम क्या करते हैं, पहला तो काम हम आसान सा ये कर लेते हैं कि हम या तो इस तरह से, ठीक है, एक तरीका तो ये है कि हम ये जो हमारे दो म्यूटेबल रेफरेंसेज हैं उसमें से एक को ख़त्म कर दें, एक ही रहने दें. अब इस प्रोग्राम को, सॉरी मैं आपको कोड की विंडो दिखाना भूल गया. ये देखें, हमने एक तरीका तो ये है कि हम ये जो सेकंड बोरो हो रहा है म्यूटेबल, इसको हम ख़त्म कर देते हैं, एक ही रहने देते हैं, इसको हमने कमेंट कर दिया. अब हम जाके इस प्रोग्राम को चलाते हैं. तो ये देखें, इसी प्रोग्राम को चला दिया. तो एक तरीका तो ये था कि हम एक वक्त में एक ही म्यूटेबल वो जो है ना रेफरेंस वो रहने दें. इसका एक और ऑल्टरनेट वे भी है, वो क्या है वो हम जाके कोड में देखते हैं. ठीक है, जब हमने वहां पे पढ़ा था तो हमें पता चला था कि एक वक्त में एक स्कोप के अंदर रहते हुए आप एक से ज्यादा बार म्यूटेबल रेफरेंसेस नहीं बना सकते. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ना थोड़ा सा स्कोपिंग डाल देते हैं. स्कोप डालने के लिए आपको पता है कर्ली ब्रैकेट यूज होते हैं. ठीक है, तो हमने क्या किया कि हम S1 को इस वाले स्कोप के अंदर ले गए और फिर S2 को हमने दोबारा से इस स्कोप के बाहर एक अलग स्कोप में यूज कर लिया. अब इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और सेव करके अपनी टर्मिनल विंडो में जाते हैं और यहाँ पे अब इसको चला के देखते हैं. तो ये देखिए, इसे दो ओवर पाकिस्तान क्लियरली कर दिया. उसकी वजह क्या बनी, उसकी वजह ये बनी कि देखिए हमने वहाँ अपनी स्लाइड में पढ़ा था कि एक स्कोप के अंदर आप एक से ज़्यादा बार म्यूटेबल रेफरेंसेस का इजरा नहीं कर सकते. अब हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रिंग बनाई. ठीक है, उसके बाद एक हमने एस वन म्यूटेबल रेफरेंस डिक्लेयर किया, लेकिन वो इस स्कोप के अंदर किया, ये जो हाइलाइटेड स्कोप है ये एरिया, इसके अंदर किया. तो यहाँ पर क्या हुआ कि एस वन एक म्यूटेबल रेफरेंस टू माई एस टी आर बना, प्रिंट हुआ. प्रिंट होने के बाद यहाँ पे ड्रॉप कॉल हो गया फॉर एस वन, तो जो एस वन था वो ड्रॉप हो गया. ठीक है, उसके बाद हमने एक S2 बना लिया. अब चूंकि S1 ड्रॉप हो चुका है और जब हमने S2 दोबारा से एक म्यूटेबल रेफरेंस टू माई एस टी आर बनाया, तो इस वक्त चूंकि S1 ड्रॉप हो चुका है तो इसका ऑलरेडी कोई भी म्यूटेबल रेफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसकी वजह से जब हमने S2 बनाया तो उसने हमें अलाउ कर दिया, उसको हमने प्रिंट अगेन करवाया. उसके बाद जब यहाँ पे प्रोग्राम खत्म होगा, अब क्या होगा, अब यहाँ पे ड्रॉप कॉल्ड फॉर S2 एंड माई एस टी आर. देखिए माई एस टी आर भी यहाँ पे आके ड्रॉप हो जाएगा. ठीक है, इस पॉइंट पे तो ये था हमारा थोड़ा सा कुछ आइडिया म्यूटेबल रेफरेंसेस का. और ये चीज़ हमने देखी कि एक वक्त में एक ही म्यूटेबल रेफरेंस जो है वो एक स्कोप के अंदर अलाउ करती है रेस्ट. और इसकी पॉजिटिव